आईआईएसयू में हुआ विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका 2047 कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा, महिला और शिक्षा राष्ट्र को विकसित भारत की ओर ले जाने वाले रथ को दो पहिए। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने धर्म पत्नी के साथ मां की स्मृति में वृक्षारोपण भी किया है। झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा, इस दौरान सीएम ने बाबा वैद्यनाथ पहुंचकर विधि पूर्वक बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। देवघर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए सीएम भजनलाल ने कांग्रेस और झामुमो पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में दोनों पार्टियां आदिवासियों को अंदर ही अंदर कमजोर कर रही है। झामुमो एक परिवार की पार्टी है जो पुत्र के बाद पुत्र ही चला रहे हैं, केवल बीजेपी ही प्रत्येक कार्यकर्ताओं को उनका हक दे रही है। जयपुर के वैशाली नगर में एनएसयूआई ने एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। शहीद भगत सिंह की जन्म जयंती पर चित्रकूट स्टेडियम में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक को लेकर पुलिस हुई हाईटेक, अब पुलिस ड्रोन के जरिए शहर में निगरानी कर रही है। शहर में जाम से छुटकारा पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी ले रही है ड्रोन का सहारा। उदयपुर की चाटिया खेड़ी में तेंदुए ने मचाया आतंक, राणा गांव में घुसकर तेंदुए ने 8 भेड़ों पर किया हमला। तेंदुए के इस हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल, मौके पर पहुंची वनवा की टीम का ग्रामीणों ने जताया विरोध। उदयपुर के गोगुंदा में वन विभाग की टीम ने तीसरे पैंथर को पकड़ा, वन विभाग की टीम पूरे इलाके में लगातार 4 पिंजरे पकड़ चुकी है। पिछले 9 दिनों में 6 लोगों को अपना शिकार बना चुका था पैंथर। जयपुर में एक निजी कंपनी के बंदरों के साथ क्रूरता की गई है। कंपनी ने पिछले 10 दिनों से करीब 100 बंदरों को पिंजरे में कैद किया, बंदरों की देखभाल नहीं होने से स्थानीय लोगों में गुस्सा फूटा। जयपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने पहले तो एक सब्जी वाले से उसका धर्म पूछा, उसके बाद बांग्लादेशी बोलकर उसकी पिटाई कर दी। मामले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने अशंकुल नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। जयपुर के सांगानेर इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार युवती समेत 15 साल की किशोर की मौत। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने टायर जलाकर रास्ता जाम करके प्रदर्शन किया है।